हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी. एम आई ऑडिबल टू ईच एंड एवरीवन? एम आई ऑडिबल टू ईच एंड एवरीवन? इज ऑडिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन? वी आर लाइव नाउ. दिस इज मोहित देयर एंड वेलकम टू दी टेस्ट बुक. सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कंफर्मेशन देंगे? सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कंफर्मेशन दो यार. इज ऑडिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन? जल्दी फास्ट, जल्दी जल्दी. गुड इवनिंग श्वेता, हेलो सुमित, हेलो विक्की, गुड इवनिंग भैरव, गुड इवनिंग दीपक, हेलो रन सिंह, गुड इवनिंग विनीत, गुड इवनिंग शशि, गुड इवनिंग अमन, गुड इवनिंग अभिषेक, गुड इवनिंग सुचि. यहीं पे हूँ, क्या थी? कहीं नहीं हूँ, क्लियर है? हेलो अभिषेक, गुड इवनिंग प्रतिभा, गुड इवनिंग रागिनी, गुड इवनिंग विक्की, गुड इवनिंग आरती, गुड इवनिंग सुमित, गुड इवनिंग निकिता, गुड इवनिंग ऋत्विक, गुड इवनिंग धीरज, गुड इवनिंग निर्मल, गुड इवनिंग धनंजय, गुड इवनिंग नरेंद्र, गुड इवनिंग पंकज, गुड इवनिंग अजहर. सबको कर दिया भाई ने तो फिर एक बोलेगा क्या? मेरे को नहीं किया सर. बैच फोर में बहुत बातें होती हैं सर, समझ में नहीं आता. अरे नहीं यार सुमित, ऐसा कुछ नहीं. बच्चे धीरे धीरे अभी सीख रहे हैं, बच्चे पढ़ाई करना शुरुआत में होता है ऐसा. धीरे धीरे बच्चे सीख रहे हैं. सर आपका टेक्स्ट बुक वाला टी शर्ट नहीं मिला मुझे, क्या करेगा भाई, क्या करेगा उसका? बोल, तेरे को दूसरी टी शर्ट दिलाऊं? हाँ तेरे को दूसरी टी शर्ट दिला दूं? बोलना, तेरे को दूसरी टी शर्ट दिला देता हूँ. कोई दिक्कत जीवन में? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं. चल सर, आज ढांसू एंट्री नहीं की है. हाँ यार आज ढांसू एंट्री नहीं हुई भाई. गुड इवनिंग रंजू, गुड इवनिंग हिमाली. सर आपके मुंह से अपना नाम सुन के बहुत अच्छा लगता है और सबको बहुत अच्छा लगता है. क्या बात है अमन भाई, गुड. कुछ डाउट ये क्लियर करना ही टेलीग्राम बताएं. हाँ भाई टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा. गुड इवनिंग सागर, गुड इवनिंग गुरविंदर, क्या बात है. गुड इवनिंग किशोर. सर आपने बोला वैसे ही टेस्ट सीरीज लिए, अभी तक मुझसे नहीं मिली. सुजी एक बार मेरे को मैसेज करना टेलीग्राम पे, देखता हूं मैं क्या है, क्या दिक्कत है. ठीक है. गुड इवनिंग शिल्पी, गुड इवनिंग आलोक. जल्दी फटाफट सब लोग आते जाओ यार, मस्त मचाना है भाई एकदम. जल्दी फास्ट, जल्दी जल्दी. सर आपकी 1 बजे और 9:30 बजे वाली क्लास जो रहती है वो कहाँ होती है? टेस्ट बुक पर. 1 बजे वाली यूट्यूब पर होती है, 9:30 बजे वाली टेस्ट बुक पर होती है. टेस्ट बुक मतलब टेस्ट बुक की एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पे. टेलीग्राम पे आइए सूची एक बार, तभी वो समझ में आएगा. एकदम अमित भाई मैं एकदम मस्त हूँ, एकदम मस्त. चलो गुड इवनिंग सुभादीप. चलिए तो फाइनली स्टार्ट करते हैं, मचा दें भाई. गुड इवनिंग विशु. क्या होता है विशु का मतलब, क्या होता है, क्या होता है विशु का मतलब, क्या होता है यार? आप लोगों के नए नए नाम सुनने को मिलते हैं मेरे को. आप लोग के नए नए नाम सुनने को मिलते हैं मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है मेरे को. नए हमारे टाइम पे नाम ऐसे होते नहीं था. हमारे टाइम पे कुछ भी नाम रख देते थे, हैं मोहित, रोहित, कुछ भी नाम रख देते थे हमारे टाइम पे. आकाश, आशीष, कॉमन नेम, देयर आर सो मेनी कॉमन नेम. अभी नए नए नाम सुनने को मिलते हैं. आजकल का ट्रेंड चेंज हो गया ना, वो हमारे टाइम पे वो ट्रेंड नहीं चलता था ना. आजकल का वो ट्रेंड चेंज हो गया, दो लोगों का मिला के एक नाम रखते हैं, नहीं है ना, तो ट्रेंड चेंज हो गया. हमारे टाइम पे क्या होता था, ऐसा रखते नहीं थे नाम. कोई बगल वाले अंकल जी, उन्होंने कुछ नाम लेके बुलाया तो उसका नाम वही पड़ गया जीवन भर से, है ना. कोई बगल वाले अंकल जी ने पप्पू बोल दिया, बेचारे का नाम पप्पू ही हो गया जीवन भर से. गूगल सर्च करके बताएंगे क्या बात है. सर आपकी मेल आईडी क्या है वो बता दो. अरे मेल आईडी का क्या करोगे, टेलीग्राम पे कर दो बेटा, टेलीग्राम पे कर दो, क्लियर, टेलीग्राम पे कर दो. नहीं तो हमारे टाइम पे अलग नाम होता था. अभी देखो नाम कैसा है, हिमाली. ये नाम नहीं सुना मैंने जीवन में कभी, अभी सुना कुछ समय पहले. सर टेलीग्राम पे किस नेम से सर्च कर लूं आपको? विनीत मोहित कासन्या सर टेस्ट बुक, MOHIT स्पेस KASANYA स्पेस सर स्पेस टेस्ट बुक. ठीक है अभी क्लास देख लो, क्लास देख लो, क्लास के बाद ज्वाइन करना टेलीग्राम. ठीक है. अरे तो सूची टेलीग्राम आप नहीं चलाते तो टेलीग्राम चालू कर दो ना, क्या दिक्कत है. हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सौरभ भाई, बिल्कुल डाउट आस्क कर सकते हैं, इसलिए तो टेलीग्राम चैनल बनाया है. गुड इवनिंग राहुल, गुड इवनिंग प्रता सुंदर. चलिए सर आपका पुराने लेक्चर से आज मजा आ गया रिवीजन में, क्या बात है. धनंजय भाई लव यू, बहुत बढ़िया. चलिए गाइस तो फाइनली स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. तो मैं बता देता हूँ 2 मिनट के लिए कि ये जो गाइस हमारा सेशन होता है डेली 5 बजे हम लोग यहाँ पे मिलते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स, दैट इज योर DSSSB, दैट इज योर RSMSSB, दैट इज योर मध्य प्रदेश सब इंजीनियर. और कुछ बच्चे मुझे बोले थे सर आपकी MP सब इंजीनियर के रिगार्डिंग कोई वीडियो क्यों नहीं आ रही अभी राइट नाउ. तो बेटा कोई वीडियो नहीं आ रही इसका मतलब क्या है, कोई वीडियो मेरी नहीं आ रही इसका मतलब ये क्या है ना, कोई वीडियो मेरी नहीं आ रही इसका मतलब ये है कि मैं बाकी की चीजों पर वीडियो बनाने में भी यकीन नहीं रखता हूँ. क्लियर है, मैं बाकी की चीजें वीडियो बनाने में यकीन नहीं रखता हूँ क्योंकि मुझे चीजें पता है तो मैं सिर्फ पढ़ाने पे यकीन रखता हूं, इसलिए मैं इतने दिन से पढ़ा ही रहा हूं. टेलीग्राम चलाना पड़ेगा, PDF वहीं मिलती है और सैंपल क्वेश्चन भी वहीं होते हैं. गुड,
सर व्यापम के लिए मशीन आपके कौन से बैच से पढ़ू? जावद भाई आप आराम से बैच से पढ़ो, बैच थ्री से खत्म कर लो, बैच थ्री खत्म हो गया ना, बैच थ्री से कर लो ठीक है। गुड इवनिंग रौनक। चलिए तो कुल मिला के मैं यार उन सारी चीजों पे वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ अभी राइट नाउ है ना, और बाकी बहुत सारे बच्चों की क्वेरी है आप ही लोगों में से, सर फॉर्म कब आएगा, ये कब आएगा, तो मैं वही बोलूंगा यार पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, 15-1.5 महीना भी नहीं है पूरा हमारे पास है ना, 40-42 दिन है ना, तो उतने में सब कुछ हो जाएगा, तो अपने साथ खेलना हो जाए इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्लियर है ना, अपने साथ खेलना हो जाए बस इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ, बाकियों के साथ तो खेल हो सकता है अपने साथ ना हो जाए, एकदम मस्त दिव्येश भाई। चलिए तो फाइनली सेशन को स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन आज आपके सामने आता हुआ ठीक है। चलो While starting a synchronous motor as an induction motor, field winding is, अगर आप किसी synchronous motor को as a induction की तरह start करो, अगर किसी synchronous motor को as a induction की तरह start करो, तो जो field winding होगी वो कैसी होगी? अगर किसी synchronous motor को अगर as a induction की तरह start करो, तो उसकी field winding कैसी होगी? Kept open circuited, short circuited by low resistance, connected to DC supply, none of the above. भाई साहब लिखा हुआ है, क्या लिखा है सर? लिखा है इंडक्शन की तरह स्टार्ट करना है, और अगर इंडक्शन की तरह स्टार्ट करना है तो गाइस द करेक्ट आंसर इज ऑलवेज है ना, व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट सर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या है ना, दैट इज ऑलवेज शॉर्ट सर्किटेड बाय अ लो रेजिस्टेंस। क्यों भैया? क्योंकि इंडक्शन मोटर की रोटर और इंडक्शन मोटर की फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो आपकी शॉर्ट होती है। चाचा समझ में आया? समझ में आ गया सर। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट, स्पिल वे इज अ पार्ट ऑफ, स्पिल वे किसका पार्ट होता है यार? स्पिल वे हो गया, फॉर बे हो गया, ये सब किसके पार्ट है? स्पिल वे, फॉर बे, ये सब किसके पार्ट है? स्पिल वे, फॉर बे। रागिनी की ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे थोड़ी देर में, रुक जाओ जरा। गुड इवनिंग शुभम। चलिए तो क्या स्पिल वे इज अ पार्ट ऑफ, स्पिल वे हो गया बेटा, फॉर बे हो गया आपका, ये सारे पार्ट है आपके किसके? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के। किसके पार्ट है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स के। क्लियर? चलो नेक्स्ट। चलिए इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना, इसको जूम कर रहा हूं। द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू इंडक्टर, इंडक्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यहां पे गाइस इंडक्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करना है ठीक है। तो इंडक्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो होगा आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो गाइस यहां पे देखेंगे 5 एम्पेयर एंड 4 एम्पेयर, तो आपके पास तीन वैल्यूज है करंट की, आपको फाइंड आउट करना है इंडक्टर के थ्रू करंट कितना होगा। ये वाला जल्दी जल्दी हो जाओ बेटा, चालू मुन्ना चालू हो जाओ जल्दी फटाफट। दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। यू डोंट नो द वैल्यूज ऑफ आर एल एंड सी, इवन यू डोंट नो द वैल्यूज ऑफ एनी अदर थिंग, यू हैव टू जस्ट शो, जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। तो काफी बच्चे जीरो बोलेंगे, मुझे उम्मीद थी पूरी की पूरी जीरो वाली, लेकिन जीरो ऑप्शन में नहीं है, जीरो ऑप्शन में नहीं है। देखो जो कार्टून है वो क्या करेंगे, देखो कार्टून क्या करेंगे, दिल पे मत लेना है ना मेरा, मैं ऐसी बोलता हूं बेटा, दिल पे मत लेना है ना, सर नहीं तो बोलो सर मेरे को कार्टून बोलते हो। अरे भैया ये आया 5 एम्पेयर, आगे भी जा रहा है 5 एम्पेयर, तो सर नीचे जीरो जाएगा ना सर? कौन बोला रे, कौन बोला नीचे जीरो जाएगा? गुड इवनिंग पूजा, मेरे को मालूम है आपके कंसेप्ट कहां से हिले हुए हैं, पूरे पता है मेरे को, इसलिए ऐसा क्वेश्चन लेके आता हूं मैं, मेरे को सब मालूम है। जल्दी बताओ रे आंसर कितना हुआ, जल्दी, मेरे को मालूम है ना आपके कंसेप्ट कितने हिले हुए हैं बेटा। तो यहां पे देखना ऐसा कभी नहीं होता, ये एसी सोर्स है, क्या है ये? एक एसी सोर्स है, एसी सोर्स, और अगर एसी सोर्स अवेलेबल होता है तो यहां पर फेजर सम किया जाता है, यहां पर एल्जेब्रिक सम नहीं किया जा सकता। एल्जेब्रिक सम मतलब ये होता 5 इधर गया 5 इधर गया तो जीरो, तो यहां एल्जेब्रिक सम नहीं चलता, यहां फेजर सम चलता है। ये 5 एम्पियर बेटा रिजल्टेंट करंट है किसका? इंडक्टर में जाने वाले करंट का, रेजिस्टेंस में जाने वाले करंट का, और कैपेसिटर में जाने वाले करंट का। क्लियर? तो अपन लोग इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं जरा क्या होगा। तो बेटा जब भी आप लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ करने जाओ तो याद रखना पैरेलल सर्किट के लिए आपका रेफरेंस क्या होना चाहिए? सर पहले रेफरेंस होना चाहिए वोल्टेज। क्यों? क्योंकि तीनों एलिमेंट के पास वोल्टेज क्या है? सर सेम है सर। इसके बाद जरा देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये हो गया वोल्टेज। अब बेटा कैपेसिटर में कितना करंट जा रहा है? सर कैपेसिटर में जा रहा है सर 4 एम्पियर का करंट। याद रखना कैपेसिटर में जाने वाला करंट हमेशा वोल्टेज से क्या करता है? लीड मारता है, लीड 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 मतलब होता है ऊपर। तो ये कैपेसिटर का करंट कितना हो गया बेटा? कैपेसिटर का करंट कितना हो गया सर? 4 एम्पियर कैपेसिटर का करंट हो गया। अब इसके बाद वो ये बोल रहा है, इसके बाद वो ये बोल रहा है, क्लियर? इसके बाद वो ये बोल रहा है इंडक्टर में करंट क्या होगा? तो बेटा इंडक्टर का करंट को कहां पे मानोगे? सर इंडक्टर में करंट 90 डिग्री क्या करता है? लैग करता है। तो ये इंडक्टर का करंट हो गया। मानते हो नहीं मानते हो? बिल्कुल मानते हैं सर। तो ये इंडक्टर का करंट हो गया, और ये रेजिस्टेंस का करंट है आपका, कौन सा? आई आर।
ठीक है, और रिजल्टेंट करंट कहां बनेगा? तो बेटा देखो ऊपर है आईसी, अगर मान लो आईसी कल को ज्यादा हो जाए आईएल से, तो आईसी और आईएल का रिजल्टेंट कहां जाएगा सर? इधर जाए, सॉरी आईसी और आईएल का रिजल्टेंट कहां जाएगा? इधर। अगर कल को आईएल ज्यादा हो जाए आईसी से, तो आईसी और आईएल का रिजल्टेंट नीचे जाएगा। तो अभी हम लेट सपोज मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, हमें हमारा एक्चुअल करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर। अगर बेटा मुझे मेरा एक्चुअल करंट 5 एम्पियर दिया हुआ है, तो जरा दिमाग लगाना, तिकड़म लगाना है। क्या लगाना है? तिकड़म, तिकड़म। गुड इवनिंग से क्लियर है, अपन को क्या लगाना है? तिकड़म लगाना। तो रिजल्टेंट करंट बेटा या तो यहां पे बनेगा, और या तो रिजल्टेंट करंट यहां बनेगा, दोनों में से कहीं एक जगह बनेगा, कहीं भी बना लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रिजल्टेंट करंट मान लो मेरा यहां पे बन गया, लेट सपोज, ठीक है, रिजल्टेंट करंट मेरा यहां पे बन गया। कितना है रिजल्टेंट करंट सर? 5 एम्पियर। कितना है बेटा? 5 एम्पियर। तो अब जरा देखो रिजल्टेंट करंट 5 एम्पियर कब हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है? अगर आपका कैपेसिटर करंट 4 एम्पियर का है, और मान लो इंडक्टर करंट आपका हो जाए कितना, इंडक्टर करंट कितना हो जाए आपका, इंडक्टर करंट 0 हो जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। या फिर एक काम करते हैं अपन लोग, इसको रिजल्टेंट नीचे मान लेते हैं, रिजल्टेंट नीचे मान लेते हैं, वो आपको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। रिजल्टेंट नीचे जहां मानना है मानो, यहां रिजल्टेंट मान लिया, ठीक है। अब रिजल्टेंट करंट कितना बेटा आपका? 5 एम्पियर का, ठीक है। और ऊपर देखो आप 4 एम्पियर का कैपेसिटर करंट है, अबे तो एक काम करना, इंडक्टर के करंट को 8 एम्पियर मान ले। कितना मान ले? 8 एम्पियर मान ले। आप बोलोगे उससे क्या हो जाएगा सर? तो बेटा देखो ऊपर 4 है नीचे 8 है, ऊपर 4 है नीचे 8 है, ऊपर 4 है नीचे 8 है, तो ओवरऑल नीचे कितना चला जाएगा? 4 एम्पियर। और आपका रेजिस्टेंस का करंट हो जाएगा बेटा 3 एम्पियर। तो 4 और 3 का रिजल्टेंट कितना निकल के आएगा? 5 एम्पियर। अब आपके मन में एक डाउट आएगा, सर हाउ कैन यू डिसाइड द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस का करंट? तो कोई बात नहीं, अगर आपको ये समझ में नहीं आता है, इतना तो समझ में आया कि अगर कैपेसिटर का करंट ऊपर 4 एम्पीयर है, इंडक्टर का नीचे 8 एम्पीयर हो जाए, तो ओवरऑल नीचे करंट कितना हो जाएगा? 4 एम्पीयर। और ये रेजिस्टेंस का अगर 3 एम्पीयर हो जाए, तो रिजल्टेंट 4 एम्पीयर और 3 एम्पीयर का जो रिजल्टेंट होगा वो 5 एम्पीयर हो जाएगा, वही हम चाहते हैं। लेकिन सर ये आपको किसने बताया? स्वयं ईश्वर ऊपर से आए थे आपको बताने के लिए कि ये 3 एम्पीयर होगा? नहीं भैया, ये मुझे बताया क्वेश्चन है। देखो कैसे रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का जो रिजल्टेंट है वो 5 एम्पियर है, तो अगर कैपेसिटर 4 एम्पियर है तो रेजिस्टेंस को 3 ही होना पड़ेगा, तभी इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा? 5 एम्पियर। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा इसका? 8 एम्पियर। समझ में आया? समझ में आया? सॉरी यार, समझ में आया? ऐसे पढ़ते हैं, इस लेवल का पढ़ाई की जाती है ना, इस लेवल की पढ़ाई की जाती है जब जिंदगी में कुछ आपने को मिलता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सीरीज कैपेसिटर कैपेसिटर्स इन ट्रांसमिशन लाइन आर ऑफ लिटिल यूज व्हेन? बेटा सीरीज कैपेसिटर का कब काम आता है? सीरीज कैपेसिटर काय को लगाते हैं बोलो, है ना? सीरीज कैपेसिटर इन ट्रांसमिशन लाइन आर ऑफ लिटिल यूज व्हेन? पारेक्षण लाइनें में, संचरण लाइनों में श्रेणी संधारित्र का उपयोग बहुत निम्न कब होता है? सबसे कम कब यूज करोगे? द लोड वार रिक्वायरमेंट इज स्मॉल, द लोड वार रिक्वायरमेंट इज लार्ज, द लोड वार रिक्वायरमेंट इज फ्लक्चुएटिंग। तो सबसे कम यूज कब करोगे इसका, एक सीरीज कैपेसिटर का? रागिनी आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पे ऑप्शन दूसरा है। आपको लगा है सीरीज कैपेसिटर इन तीनों में से कब सबसे कम यूज करा जाता है? तो बेटा सीरीज कैपेसिटर सबसे कम कब यूज करोगे? जब लोड को आपकी रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट कम होगी। अरे भैया लोड अंकल जी सामने लगे हुए ट्रांसमिशन लाइन में, वो बोल रहे हैं हमको रिएक्टिव पावर दो, रिएक्टिव पावर दो, रिएक्टिव पावर दो, देने वाला कौन आएगा? कैपेसिटर आएगा। तो कैपेसिटर उसको रिएक्टिव पावर अगर अपन यूज कम कर रहे हैं, मतलब कब कर रहे हैं भाई? जब उसको रिक्वायरमेंट कम होगी तब कम यूज करेंगे, बात खत्म होगी। ज्यादा होगी तो ज्यादा करेंगे, खत्म। काय को लोड लेना इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, इट इज अ न्यूमेरिकल। अच्छा सर हमें तो पता नहीं था, आप बोलते हो न्यूमेरिकल है। इन एन इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप वॉटमीटर, एक ईडीएम टाइप का वॉटमीटर है जिसके अंदर वोल्टेज और करंट आपको गिवन है। वोल्टेज है 100 sin 314 t एंड आई इक्वल टू 10 sin 314 t -60 degree। तो वॉटमीटर की रीडिंग क्या होगी ये आपको बताना है। ये अगर आप बता पाते हैं तो अपन आगे बढ़ेंगे, और अगर आप नहीं बता पाते हैं तो भी अपन आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? जल्दी करो फटाफट पे, जल्दी करो, जल्दी फास्ट। जल्दी 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 सबके आंसर आना चाहिए। आंखें खुली हो या बंद, दीदार उनका होता है, कैसे कहूं मैं आया। जल्दी, गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया, गजब। तो बेटा वॉटमीटर आपकी कौन सी पावर पड़ता है गाइस?
वॉट मीटर आपकी पड़ता है एक्टिव पावर, वॉट मीटर आपकी कौन सी पावर पड़ता है एक्टिव पावर, और गाइज एक्टिव पावर का फॉर्मूला हम बचपन से आज तक जानते आ रहे हैं, दैट इज योर वी आई कॉस फाई, दैट इज योर वी आई कॉस फाई। अब पावर में बेटा देखो वोल्टेज कितना गिवन है 100, करंट कितना गिवन है 10, और कॉस फाई क्या होगा वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना है, इसका एंगल 0 है, इसका एंगल -60 है, तो कितना हो जाएगा एंगल 60 डिग्री कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है सर 1/2, कितनी होती है 1/2, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 500 वॉट। क्लियर है, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 500 वॉट। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 500 वॉट, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 500 वॉट। इज इट राइट और रॉन्ग, इज इट राइट और रॉन्ग, जल्दी फास्ट बताएंगे ये सही है गलत है, हैं? अबे ये गलत है चिंटुओं और चिंटियों, ये गलत है, याद रखना यहां पे वोल्टेज और करंट में आरएमएस वैल्यू आती है, कौन सी आती है आरएमएस वैल्यू आती है, यहां पे कभी भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं लेते, याद रखना इस फॉर्मूले में। तो टीचर आपको ये बताना भूल गए कि वीआई कॉस फाई, वीआई कॉस फाई तो रटा दिया, लेकिन एक बार बच्चे को बता देते उसको बोल देते बेटा ऐसा रटना चालू कर वीआर आईआर कॉस फाई, ताकि उसको पता चल जाए कि यहां वोल्टेज और करंट हमेशा आरएमएस में रखना है। इसीलिए आज से फॉर्मूला आप लोग कभी भी है ना वीआर वीआई कॉस फाई नहीं रटोगे, हमेशा क्या रटोगे वीआर आईआर कॉस फाई। क्लियर, तो अब देखो आरएमएस वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय रूट टू, करंट क्या होगा 10 डिवाइडेड बाय रूट टू, और ये आपका 1/2, ठीक है। अब ये पावर निकल के आएगी आपकी 250 वॉट्स, द करेक्ट आंसर इज 250 वॉट्स। क्लियर है, क्लियर, यस सर क्लियर है सर बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करो सर। अर्थिंग ट्रांसफॉर्मर इज यूज टू, एक अर्थिंग ट्रांसफॉर्मर होता है बेटा उसको काय के लिए यूज करते हैं, इंप्रूव न्यूट्रल वाइज करंट कैपेसिटी, अवॉइड ओवर हीटिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, अवॉइड हार्मोनिक्स, प्रोवाइड आर्टिफिशियल अर्थिंग। तो ये एक फैक्चुअल डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोगों को अभी से याद कर लेना इसके बारे में, ठीक है, अभी से याद कर लेना इसके बारे में। तो अर्थिंग ट्रांसफॉर्मर इज यूज टू, जल्दी फास्ट, अर्थिंग ट्रांसफॉर्मर को काय के लिए यूज करते हैं, तो आज से याद रखना है अर्थिंग ट्रांसफॉर्मर को यूज करते हैं आर्टिफिशियल अर्थिंग प्रोवाइड करने के लिए, क्या प्रोवाइड करने के लिए, अभी जब लिख दिया अर्थिंग ट्रांसफॉर्मर है ना तो जाहिर सी बात है अर्थिंग करने के लिए करेंगे, अब जब अर्थिंग करने के लिए करेंगे तो हार्मोनिक कहां से आ गया, बीच में हीटिंग कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, तो करेक्ट आंसर इज ऑलवेज टू प्रोवाइड आर्टिफिशियल अर्थिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द पावर इन अ थ्री फेज सर्किट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ टू वॉट मीटर्स। अच्छा, हमें तो जैसे पता ही नहीं था कि थ्री फेज की पावर को 10 वॉट मीटर से मेजर करते हैं, हंस दो इस क्वेश्चन के ऊपर, क्लियर है, हमें भी पता है भाई, हमसे क्या पूछता है, तीन फेज की पावर को 2 वॉट मीटर से ही करते हैं, वो ऊपर से बोलता है रीडिंग जो 1 वॉट मीटर की वो पॉजिटिव, अच्छा ओके ठीक है, और दूसरे वाले की नेगेटिव, अच्छा ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ रीडिंग इज डिफरेंट, अच्छा मतलब एक कुछ 10 पड़ रहा होगा, एक कुछ -5 पड़ रहा होगा, तो पावर फैक्टर क्या होगा, जल्दी बोलो पावर फैक्टर क्या होगा। तो कुल मिला के करना कुछ नहीं, दिमाग अपने को लगाना नहीं, अपने को पावर फैक्टर का फॉर्मूला पता है, कुछ लोग इसको चार्ट बना के याद कर लेते हैं, कितने लोग ऐसे है ना, तोते कितने यहाँ पे, पोपट तोते कितने यहाँ पे चार्ट बना के याद करके बैठे, भाग यहां से, ऐसा कोई भी नहीं करता है, तुरंत फॉर्मूला लिखा करो, इसी को तो रिविजन बोलते हैं, टेन इनवर्स ऑफ रूट थ्री डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू अपॉन डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू। तो एक काम करो, डब्ल्यू वन को ले लो कितना अपने मन से ले लो 100, और W2 को ले लो कितना माइनस का 50, अब कैलकुलेट करके देख लो पावर फैक्टर कितना आता है, 10 इनवर्स ऑफ, ठीक है 10 इनवर्स ऑफ रूट थ्री, W1 कितना है 10, 10 प्लस 50 कितना हो जाएगा ऊपर, अपॉन W1 प्लस W2 कितना अगेन नीचे कितना हो जाएगा 100 माइनस 50, सॉरी इससे तो टाइम खराब हो जाएगा पेपर में, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, हो जाने दे टाइम खराब, 100 और 150 तोता नहीं बनना लेकिन जीवन में, टाइम खराब नहीं होगा इससे, तेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, पेपर में भले याद रह जाए कोई बात नहीं, लेकिन द थिंग इज कि यू हैव टू बी क्लियर इन योर कॉन्सेप्ट्स, क्लियर। तो 100 प्लस 50 होता है 150, 150 डिवाइडेड बाय 50, 50 50 से कैंसिल होकर 3 आ जाएगा, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी कितनी 10 इनवर्स ऑफ 3 रूट 3। अब 10 इनवर्स ऑफ 3 रूट 3 कितना होता है जल्दी कैलकुलेट कर लो, ऊपर माइनस साइन नहीं होगा मुन्ना, देख लिखा है माइनस का 50, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे बेटा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो 3 रूट 3 का 10 इनवर्स निकाल के देख लो एक बार कितना निकल के आता है, 3 रूट 3 का 10 इनवर्स निकाल के देख लो है ना, ये निकल के आएगा तुम्हारा 5.19, और 10 इनवर्स की जब मैं बात करने जाऊंगा है ना, निकालो बे 10 इनवर्स निकालो फटाफट जल्दी निकालो 10 इनवर्स जल्दी, सर आप करो सर हम क्यों करेंगे, सर आप करो सर हम क्यों करेंगे, सर हैं आप पढ़ा रहे हो सर, आप लिखा रहे हो, आप पढ़ा रहे हो तो आप ही करो। तो ये निकल के आएगा 79 डिग्री,
79 डिग्री का कॉस करेंगे मतलब 80 डिग्री का कॉस कर लो, कितना हो जाएगा है ना, कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका 80 डिग्री का कॉस करने जाओगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 0.17 के आसपास। तो अगर जैसे 0.17 के आसपास हो गया बस समझ जाना कि हमारा पावर फैक्टर 0.5 से क्या है, कम है। हमारा पावर फैक्टर 0.5 से क्या है भैया, कम है। हमारा पावर फैक्टर 0.5 से कम है तो जरा चेक कर लेते हैं एक बार। ओहो लेस देन 0.5, खत्म कर दो, खत्म हो गया क्वेश्चन ही खत्म है ना, क्वेश्चन ही खत्म हो गया लेस देन 0.5। क्लियर सर, सीधी बात, सीधे याद भी रख सकते हैं ना, टाइम सेव हो जाएगा। दिव्यज बेटा जिंदगी में कितनी चीजें याद रखेगा ये बता, है ना, कितनी चीजें जिंदगी में याद रखेगा। जो बाय डिफॉल्ट याद रखने की वो तो रखने ही है, बट जो बाय डिफॉल्ट याद रखने की नहीं है उसको तो मत कर। अब ऋत्विक देख, अब अगर आप लोग इंटेलिजेंट हो गए तो आप लोग क्या करोगे, सर आपने 100-50 लिया था मैंने आपको समझाने के लिए, आप एक काम करो कुछ ऐसी वैल्यू ले लो, कुछ ऐसी वैल्यू ले लो है ना जो आपके यहाँ पे कैलकुलेशन में आपको इजी पड़ जाए है ना, कुछ ऐसी वैल्यू ले लो कि ऊपर हमारा क्या हो जाए 1 से थोड़ा सा ज्यादा आ जाए। या फिर अब इस क्वेश्चन को करने के बाद से याद रखना है हमेशा पावर फैक्टर क्या होता है 0.5 लैगिंग होता है, पावर फैक्टर 0.5 लैगिंग से कम होता है, बस खत्म हो गई बात, अब याद रख लेना। लेकिन पहले पता होना चाहिए कि करते कैसे हैं, ठीक है। चलो तुम भूलोगे नहीं कभी। चलो सर दूसरे क्वेश्चन लेके आओ, सर ये क्वेश्चन तो खत्म हो गए, दूसरे क्वेश्चन लेके आए। चलो भैया, तो रागिनी की इच्छाओं को पूरा किया जाता है 1, 2, 3 एंड 4। चल कोरोना लॉसेस इंक्रीजेस विथ, याद कर लो बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। गुड नरेंद्र भाई, गुड। चल अभी आज एक बच्चे का फोन आया, मैंने 2-3 फोन किया, मैंने उसको फोन लगाया वापस से तो क्या गजब कॉलर ट्यून लगाई थी उसने। मैंने बोला बेटा सुधर जा जीवन, सबसे पहले मैंने उसको यही बोला है ना, सबसे पहले मैंने उसको यही बोला कि सुधर जा जीवन है ना। चलो कोरोना लॉसेस इंक्रीजेस विद, कोरोना लॉसेस आपके किस चीज से बढ़ते हैं, कोरोना लॉस आपके किस चीज से बढ़ते हैं जल्दी बताएंगे फास्ट। कोरोना लॉस किस चीज से बढ़ते हैं, तो डिक्रीज इन कंडक्टर साइज एंड इंक्रीज इन सप्लाई फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, इंक्रीज इन बोथ कंडक्टर साइड एंड सप्लाई फ्रीक्वेंसी, डिक्रीज इन बोथ कंडक्टर साइड सप्लाई फ्रीक्वेंसी। नहीं भाई ये तो कभी जीवन में नहीं हो सकता, क्यों, और डिक्रीज इन सप्लाई है ना फ्रीक्वेंसी, नहीं ये भी नहीं हो सकता। याद रखना सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से आपका जो कोरोना लॉस होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है F+25 के, तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा कोरोना लॉस होता है, ये ध्यान रखना। तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। अब लिखा डिक्रीज इन कंडक्टर एंड इंक्रीज फ्रीक्वेंसी या दोनों के दोनों, तो करेक्ट आंसर इज ऑलवेज दोनों के, याद रखना करेक्ट आंसर इज ऑलवेज। कंडक्टर के साइज को कम करोगे है ना, कंडक्टर की रेडियस कम होगी, क्लियर है, तो हवा आसपास ज्यादा होगी तो आयनाइजेशन जल्दी हो जाएगा, और सप्लाई फ्रीक्वेंसी को आपको बढ़ाने पर भी कोरोना लॉस आपके बढ़ जाते हैं। क्लियर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट। अच्छा एक बात बताओ, एचवीडीसी में कोरोना होता है क्या, एचवीडीसी में कोरोना होता है क्या, होता होगा क्या है, एचवीडीसी में कोरोना वगैरह होता होगा, कुछ इस टाइप की कोई चीज होती होगी एचवीडीसी में, एचवीडीसी में कुछ कोरोना वगैरह होता होगा क्या, नहीं होता बिल्कुल भी नहीं। हट फुट, एचवीडीसी में आएगा कोरोना, गधों गधों एक बात बताओ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले फॉर्मूले में लिखा था कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F+25, अब अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी जीरो भी हो गई तो भी तो कोरोना होगा ना, एचवीडीसी में हवा तो आयोनाइज होगी ना, हवा वोल्टेज से आयोनाइज होती है, नो लगे हुए हैं। सबसे पहला वाला नो कौन था, जरा ढूंढ के लाता हूं उसको, रुको, सबसे पहला वाला नो कौन था, अभिषेक व्यास जी थे सबसे पहले नो, नहीं उसके बाद श्वेता थी नो, निशा नो। चलो याद रखना एचवीडीसी में भी होता है कोरोना, कम होता है लेकिन होता है। चलो अब आपके सामने गाइस कुछ पैरामीटर्स गिवन है आपके पास, आरएलसी के, आर आपको दिया है 2 ओम, L दिया है 1 हेनरी, क्लियर, L दिया है 1 हेनरी, क्लियर है, और कैपेसिटर दिया है 1 फेराड। अगर इनको हम कनेक्ट कर दें सीरीज में फर्स्ट एंड देन पैरेलल में, तो सिस्टम का रिस्पांस क्या होगा, ठीक है, सिस्टम का रिस्पांस क्या होगा फॉर RSM SSB एंड सब इंजीनियर दोनों के लिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स। गुड रागिनी, इसके लिए मैं दूंगा आपको ₹5 का इनाम दूंगा मैं इसके लिए आपको, ठीक है। सब डिलीट कर रहे हैं, हाँ करना तो सबको डिलीट, मालूम है सब मेरे को, इसी में तो दिमाग चलता है जीवन में, और किसी, चलो जाने दो,
चलिए पैरामीटर दिए गाइस आपको आरएलसी के, आर एल और सी, आपको तीनों को सीरीज में कनेक्ट करना है, उसके बाद आपको इनको पैरेलल में कनेक्ट करना है, आपको दोनों केस में बताना है कि है ना सिस्टम कैसा है और कैसा नहीं है, दोनों केस में आपको बताना है सिस्टम कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। तो पहले केस में भी आपको बताना है, दूसरे केस में भी आपको बताना है। जब इनको सीरीज में करेंगे तो बहुत सारे बच्चों को तो बेटा ये फॉर्मूला पता ही नहीं है, मैं आपको सिखा देता हूं, जरा सुनना, बहुत सारे बच्चों को ये फॉर्मूला पता ही नहीं होता, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों को ये फॉर्मूला पता ही नहीं होता, ठीक है। चलिए तो गाइस डैम्पिंग रेशियो जो होता है आप लोगों का, उससे फॉर्मूला निकल के आता है, दैट इज आर अपॉन टू अंडर रूट ऑफ सी अपॉन एल, दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट डैम्पिंग रेशियो। अगर बेटा डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू 1 है तो इसको बोलते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। अगर डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू है ना, डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू लेस देन 1 है और 0 से 1 के बीच में, लिखवा देता हूं डेल 1 क्रिटिकली डैम्प्ड, डेल की वैल्यू 0 टू 1 अंडर डैम्प्ड, डेल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ओवर डैम्प्ड। अगर डेल की वैल्यू 0 अनडैम्प्ड, तो गाइस डेल की वैल्यू पे सब कुछ डिपेंड करता है। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो, अगर आर की वैल्यू 2 हो जाए, क्लियर, आपको जैसा बोला गया है, तो आर की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/1 और 1/1 हो जाएगा तो डेल की वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब ये क्या है, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम है, ये क्या है बेटा, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम है। लेकिन ये तो हो गया सीरीज के केस में, ये फॉर्मूला सीरीज के केस में होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे पैरेलल में याद करना पड़ेगा क्या, नहीं चिंटो, सारे सीरीज के फॉर्मूले को पैरेलल में कन्वर्ट किया जा सकता है तीन चीजों का ध्यान में रखते हुए। क्या, R को कर दो 1/R, C को कर दो L, L को कर दो C, तो पैरेलल के लिए यही फॉर्मूला बन जाता है 1/2R अंडर रूट ऑफ L बाय C। अब यहां 1/1 यहां 2 हो गया तो डेल की वैल्यू आ गई लेस देन 1, ये क्या है अंडर डैम्प्ड सिस्टम। क्या है मुन्ना, ये अंडर डैम्प्ड सिस्टम। तो चेक कर लेते हैं भाई, पहला वाला क्रिटिकली, दूसरा वाला अंडर। ओए होए मिल गया ऑप्शन मुझे मेरा, है ना, दैट इज क्रिटिकली डैम्प्ड एंड अंडर डैम्प्ड सिस्टम, क्लियर है। चल नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर, जैसे बोल तो ऐसा रहा जैसे कोई और भी सर्किट ब्रेकर होता होगा, भैया इलेक्ट्रिकल ही होता है सर्किट ब्रेकर। कनेक्टेड बिटवीन करंट कलेक्टर एंड द मेन वायरिंग, प्रोवाइड ऑन द इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अगेंस्ट एक्सेसिव ओवरलोड ऑटोमेटिकली, क्लियर है। प्रोवाइडेड विद अ हैंडल टू ट्रिप इट व्हेन इट इज मूव टू ऑफ पोजिशन, या ऑल ऑफ द अबव, जल्दी बता दो भाई इसका आंसर, तो आराम से पढ़ लो फिर आंसर देना, गलत नहीं होना चाहिए वो, जिसका भी गलत हो एक लपड़ मार लेना अपने आपको, पहले लपड़ मार लेना एक अपने आपको, वहीं की वहीं, है ना, अपने अगल बगल वाले को मत मारना, अपने आपको मार लेना, और आवाज आनी चाहिए ताकि घर में सबको सुनाई दे क्या हुआ है। देखो मुझे दो तरीके के आंसर तो मिल गए, ईमानदारी से मारना है ना, 3 और 4, है ना, 3 और 4 वाले तो मिल गए मुझे, तो रेडी हो जाए कुछ लोग जिन्होंने आंसर गलत दिया है ना। तो करेक्ट आंसर इज गाइस, याद रखना प्रोवाइडेड, जितने 4 वाले सब लपड़ मार लो एक बार अपने आपको। अबे मैंने बोला था ना क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, ऑल ऑफ द अबव का मतलब क्या होता है, सारे आंसर वही हो जाए हैं। 4 वाले जितने भी लपड़ मार लो पहले, तो अब तो गया टाइम, 4 वाले जितने, 3 वाले जितने, सब लपड़ मार लो मैक्सिमम, वही जो 2 वाले तो अब निकल के आ रहे हैं। चलो तो बेटा ये क्या लिखा है, इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर लिखा है कनेक्टेड बिटवीन करंट कलेक्टर एंड द मेन वायरिंग, नहीं कभी नहीं करते, कभी भी नहीं करते इसको। ये बेसिकली कहां कनेक्टेड है आपका, सप्लाई और लोड के बीच में, यहां पे सर्किट ब्रेकर कनेक्टेड है आपका, ये सर्किट ब्रेकर। दूसरा लिखा है ये पढ़ो, प्रोवाइड विद एन, अब जब ये गया तो ये तो गया ही बाय डिफॉल्ट, अब इन दोनों में से देख लो कौन सा सही है। प्रोवाइडेड विद एन हैंडल, अबे इसमें हैंडल कब से होने लग गया बे, समझ रहे हो इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि अटेंडेंट जो है वो सब स्टेशन पे नीचे बैठा है और उसको फोन आएगा, अबे सुनो तुम्हारे सिर के ऊपर देखो फॉल्ट हो गया है, जाके सर्किट ब्रेकर को बंद आओ, तो अटेंडेंट चढ़ता हुआ जाएगा सीढ़ियों पे और सर्किट ब्रेकर के हैंडल को यूं कर देगा और सर्किट ब्रेकर बंद हो जाएगा। अबे ऐसा होता है क्या, अपने आप ऑपरेट करता है ये, इसका अपने आप मूविंग कॉन्टेक्ट दूर होता, तो यहां लिखा हुआ है प्रोवाइडेड विद एन हैंडल, पढ़ तो लेते हैं कम से कम एक बार। अब ये देखो, प्रोवाइडेड ऑन द इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अगेंस्ट एक्सेसिव ओवरलोड ऑटोमेटिकली, खत्म, ये वर्ड्स ही समझ में आ जाना चाहिए था। मार लो लपड़ मार लो अपने आपको बेटा एक बार लपड़ मार लो अपने आपको, गुड, आवाज आनी चाहिए घर में सबको, है ना, याद रखना है ना, घर में सबको आवाज आनी चाहिए कि कुछ हुआ है। चलो नेक्स्ट, इन द कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर इफ द करंट गेज इज 100 एंड द कलेक्टर करंट इज 10 मिली एम्पियर,
क्लियर है द बेस करंट इज. तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉमन एमिटर की अगर मैं बात करूं तो कॉमन एमिटर के अंदर क्या होता है बीटा, बीटा शुड बी इक्वल टू होता है आईसी अपॉन आईबी, बीटा शुड बी इक्वल टू होता है आईसी अपॉन आईबी. आपको कलेक्टर करंट 10 मिली एम्पियर दिया है, आपको बीटा 100 दिया हुआ है, आपको बेस करंट निकालना है, तो बेस करंट शुड बिकम इक्वल टू व्हाट, कलेक्टर करंट मतलब कितना हो जाएगा 10 मिली एम्पियर 10 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन बीटा कर देंगे, बीटा मतलब हो जाएगा 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका क्या बच जाएगा है ना, ये कितना हो जाएगा रे 10 की पावर माइनस 4. अब 10 की पावर माइनस 4 को कैसे लिख सकते हैं आप माइक्रो के टर्म्स में, 10 की पावर माइनस 4 को माइक्रो के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर माइनस 4 को माइक्रो के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर माइनस 6 से और 10 की पावर माइनस 6 से, तो ये मिलके बन जाएंगे 100 और करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 100 माइक्रो एम्पियर. द करेक्ट आंसर शुड बी 100 माइक्रो एम्पियर. नेक्स्ट, काहे को बच्चों को पिटवा रहे हो खुद से. अच्छा मतलब श्वेता आपकी इच्छा होती है दूसरों से पिटने की, खुद से पिटने की कभी इच्छा नहीं होती है. गुड गुड श्वेता गुड. सर पिटेंगे तो हम अपने अपने आप से क्यों पिटेंगे सर, हमें पीटने वाला कोई दूसरा होना चाहिए, हम अपने आप से क्यों मारें सर, एक ऐसा थोड़ी होता सर. हमारे पास अगर कोई चॉइस होगी कि हमें कोई पीटने वाला है, हम खुद अपने आप को पीट लें, तो हम बोलेंगे नहीं पीटेगा तो तुम ही, हम अपने आप को कभी नहीं पीटेंगे, हमारे उसूल है ये. गुड चलो. अ डीसी मोटर डिलीवरिंग कॉन्स्टेंट पावर आउटपुट इनिशियली ऑपरेट एट 1500 आरपीएम विद टॉर्क डिलीवर्ड एज 200 न्यूटन मीटर, द टॉर्क डेवलप्ड डिलीवर्ड एट 1200 आरपीएम इज. नहीं नहीं श्वेता आप दूसरी श्वेता हैं, एक और श्वेता आपके नीचे जिन्होंने हंसा है भी बहुत तेजी से, ये वो वाली श्वेता है, आपने कुछ नहीं बोला. चलिए, अ डीसी मोटर डिलीवर करता है कॉन्स्टेंट पावर आउटपुट इनिशियली ऑपरेट्स एट 1500 आरपीएम विद टॉर्क डिलीवर्ड एज 200 न्यूटन मीटर. क्लियर है, 200 न्यूटन मीटर द टॉर्क डिलीवर्ड एट 1200 आरपीएम पर कितनी टॉर्क डिलीवर करेगा, चलिए बता दो फटाफट यार कौन सी मोटर है, डीसी मोटर है. अब इसके बारे में आपको ये नहीं लिखा है कि भैया ये शंट है कि सीरीज है कि क्या है कि क्या नहीं है, आपको स्पीड के बारे में बात कर रहा है, बट ये लिख दिया पावर आउटपुट कॉन्स्टेंट है. क्लियर, तो बेटा आपसे याद रखना 2πNt/60, ये दुनिया के अंदर क्लियर, दुनिया में 2πNt/60 इक्वल टू पावर होता है चाहे कोई भी मोटर क्यों ना हो जाए. 2πNt/60 क्या होती है, आपकी पावर होती है. 2π क्या है इसमें, कॉन्स्टेंट. 60 क्या है, कॉन्स्टेंट. पावर क्या है, कॉन्स्टेंट. तो स्पीड इंटू टाइम भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट. नहीं समझ में आया होगा ना एक बार में, मालूम है मेरे को, एक बार सुनो, 2π क्या है, कॉन्स्टेंट. 60 क्या है, कांस्टेंट. आपको बोल रहा है पावर को कांस्टेंट रहना पड़ेगा. अबे पावर तभी कांस्टेंट हो सकती है जब स्पीड इनटू टाइम कांस्टेंट हो, पावर तभी कांस्टेंट रह सकती है जब स्पीड इनटू टाइम कांस्टेंट हो. तो मैंने लिख दिया यहां पे देखो जरा, फॉर पावर टू बी कांस्टेंट एन इंटू टी स्पीड इंटू टाइम को भी क्या रहना पड़ेगा, कांस्टेंट रहना पड़ेगा. अब पहले वाली स्पीड कितनी थी n1, टॉर्क कितनी थी t1, अब स्पीड कितनी हो गई n2, टॉर्क कितनी हो गई t2. तो पहले वाली स्पीड कितनी थी 1500, टॉर्क कितनी थी भाई पता नहीं सर कितनी थी, देख क्या हो 200. पहले बाद वाली स्पीड कितनी हो गई 1200, टॉर्क कितनी हो जाएगी निकाल देंगे, तो बस खत्म हो गया गेम ही. ये जीरो से ये जीरो गए, ओके सर है ना, और क्या गया है ना, और क्या गया, ठीक है और क्या हो गया, जल्दी बोलो कितना आ जाएगा, 250 आ रहा है, बस खत्म हो गया जीवन. करेक्ट आंसर इज 250. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या क्वेश्चन है, देख दो नेबरिंग, मुझे लगा पड़ोसी की बात कर रहे हैं, नहीं नहीं पड़ोसी की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, पड़ोसी को याद नहीं करते ज्यादा है ना, इधर आ जाओ. टू नेबरिंग कॉइल्स ए एंड बी, दोनों आपस में रहते हैं ना, नेबरिंग आपस में पड़ोसी, कॉइल ए और कॉइल बी, उनके बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस है 20 मिली हेनरी. ओहो अच्छा, द करंट थ्रू कॉइल ए इज गिवन बाय, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ एट टी इक्वल टू 2 सेकंड कितना होगा, जल्दी बता दो फटाफट कितना हो जाएगा, 2 सेकंड पे ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा. इससे घटिया क्वेश्चन, वाहियात क्वेश्चन मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा, आपने देखा होगा मैंने तो नहीं देखा. KPTCL का टॉपिक लीजिए सर, ऑल इन वन वर्ल्ड स्टार, आप जो भी मेरा 5 बजे वाला सेशन है बेटा इसको देखो, ये आपके KPTCL के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है. क्लियर, KPTCL के अंदर भी इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू वही होती है जो बाकी एग्जाम्स में होती है, जल्दी करेंगे फास्ट. और साथ ही साथ में इसी क्वेश्चन के साथ सेशन को एक बार लाइक करेंगे, टोटल 130 लाइक होने चाहिए, उसके बाद हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी फास्ट जल्दी, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे जल्दी. और आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी गुड न्यूज है ना, मैं एक्चुअली आज बता एक
अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। कल से गाइज आप लोगों के यूट्यूब पर तीन सेशन रहेंगे, एक तो हमारा दिन में 1 बजे चलता है जिसमें हम लोग रिविजन करते हैं शॉर्ट नोट से, एक रहेगा आपका 3 बजे से 4 बजे तक जिसके अंदर हम लोग और नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे, और शाम को एक 5 बजे से 6 बजे तक रहेगा उसमें भी हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे। तो कल से आप लोगों के टोटल 3 सेशन रहने वाले हैं, कहां पर, यहीं पर, ठीक है। तो एवरीबडी शुड अटेंड दीज 3 सेशन, 134 स्टूडेंट्स, डेली आप लोगों को ये देखना ही है, क्लियर। लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी और टेलीग्राम चैनल के बारे में मैं आपको क्लास के बाद बताऊंगा, चिंता मत करो। जल्दी बता दो इसका आंसर कितना हो जाएगा, और आंसर बताते के साथ साथ सेशन को लाइक भी करते रहें तो भला होगा, मेरी दुआएं लगेंगी, जिसको चाहते हो वो मिलेगा। क्लास का टाइमिंग शाम को 5 बजे से 6 बजे तक, क्लास का टाइमिंग 3 बजे से 4 बजे तक, और क्लास का टाइमिंग 1 बजे से 1:30 बजे तक, ठीक है। चल तो गाइस, 2 नेबरिंग कॉइल्स हमारे पास ए एंड बी, उनके बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस हमको गिवन था और करंट गिवन था, ठीक है। तो करना कुछ नहीं बेटा, ईएमएफ जो होता है हमारा वो होता है ना, ईएमएफ जो होता है हमारा वो एम डी आई बाई डी टी लिख लो, म्यूचुअल इंडक्टेंस है कुछ भी एम डी आई बाई डी टी लिख दो। अब एम डी आई बाई डी टी में ये करंट, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, हाँ। तो करंट को जब डिफरेंशिएट करने जाओगे तो क्या हो जाएगा, करंट आपका, करंट हो जाएगा 60 माइनस 4, ये हो जाएगा, हाँ। अब इसके अंदर क्या करो, वैल्यू को पुट कर दो, इसके अंदर क्या कर दो, वैल्यू को पुट कर दो, वैल्यू कितनी है 2 सेकंड्स की, तो जो हमारा टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 सेकंड्स, ठीक है, इसमें पुट कर दो। तो 6 2 जो कितना होता है 12 माइनस 4 कितना होता है 8, तो ये हो जाएगा 8 into m, m कितना गिवन है 220, तो 8 2 जो कितना होता है 160, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 160 मिली वोल्ट, तो करेक्ट आंसर शुड बी 160 मिली वोल्ट आंसर हो जाएगा, समझ में आई बात, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थिंग इक्विपमेंट्स गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट, अर्थिंग इक्विपमेंट आपको किस चीज से प्रोटेक्शन देता है बेटा, जल्दी बताओ, अर्थिंग इक्विपमेंट आपको किस चीज से प्रोटेक्शन देता है, बिल्कुल बिल्कुल ख्याति, बिल्कुल, मैंने बोला ना, मैं एक ही चीज बोलूंगा अभी भी, मैं सिर्फ पढ़ाने के लिए पढ़ाता हूं, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है ना, फालतू की कोई बकवास यहां पे नहीं चलेगी, सिर्फ पढ़ाई होगी आपकी और कुछ भी नहीं होगी, और हम सारी चीजों को टैकल करते हुए इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लेंगे कि आपके दिमाग में सब कुछ अच्छे से बैठ जाएगा, क्लियर। सर आप काफी जॉली, क्या होता है जॉली का मतलब क्या होता है, जॉब चाहते सर और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, मैंने क्या बोला, और मैंने कुछ और बोला था क्या, सर आपको सारे फॉर्मूले कैसे याद रहते हैं, जिद है तो सब कुछ मिल जाएगा, क्लियर, ध्यान रखें। तो गाइस याद रखना, अर्थिंग इक्विपमेंट जो होता है वो हमको किससे प्रोटेक्शन देता है, तो गाइस हमेशा याद रखना, अर्थिंग इक्विपमेंट हमको इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्शन देता है, क्लियर है, अर्थिंग इक्विपमेंट हमको इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्शन देता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, इफ इन अ वी बाय एफ कंट्रोल्ड इंडक्शन मोटर, एक इंडक्शन मोटर है जिसको हम लोग वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग ट्रिपल VF भी बोलते हैं, वी बाय एफ कंट्रोल भी बोलते हैं, मोटर की जो रन करता है 50 हर्ट्ज पे एंड रेटेड वोल्टेज पे, द स्पीड वॉज फाउंड टू बी 1440 RPM, मोटर की स्पीड है, अगर मशीन रन करने लग जाए 850 RPM और 30 हर्ट्ज पे तो स्लिप क्या होगी, जल्दी बता दो फटाफट। सर रूल बुक कब तक आएगी, धर्मेंद्र बेटा रूल बुक आ जाएगी एक हफ्ते में, चिंता मत कर, मन में जिद होगी ना तो सब कुछ पालोगे, ध्यान रखना, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो नहीं मिलेगी, जिद होनी चाहिए। चलिए चलिए, इफ इन अ वी बाय एफ कंट्रोल इंडक्शन मोटर विच रन एट 50 हर्ट्ज एंड रेटेड वोल्टेज द स्पीड वॉज फाउंड टू बी 1440 RPM, इफ द मशीन रन एट 850 RPM एट 30 हर्ट्ज, वॉट इज द स्लिप, जल्दी बताएंगे, फाइन जल्दी बताएंगे, फास्ट स्लिप क्या होगा, इतना ही पढ़ ले बहुत है अभिषेक। चल तो गाइस याद रखना, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बोला गया था कि भाई पहले मशीन हमारी 50 हर्ट्ज पे काम करती थी और इतनी स्पीड से घूमती थी, कोई बात यहाँ पे मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, अब वो ये बोल रहा है सप्लाई इतनी की हो गई है, अच्छा पहले मशीन इतनी स्पीड इतनी फ्रीक्वेंसी से काम करती थी और इतनी स्पीड से घूमती थी, क्लियर है, तो इसका मतलब सिंक्रोनस स्पीड कितनी रही होगी, अगर आपके रोटर की स्पीड 1440 RPM है, क्लियर है, अगर आपके रोटर की स्पीड 1440 RPM है, अगर आपके रोटर की स्पीड 1440 RPM है, तो यकीन मानो आपके मशीन में नंबर ऑफ पोल हमेशा 4 होते हैं, और अगर मतलब ऐसा समझ लो, अगर आपकी मशीन की स्पीड, मोटर की स्पीड, रोटर की स्पीड 1440 RPM है, 1440 RPM है, तो
कंफर्म है सिंक्रोनस स्पीड 1500 के आसपास होगी, और अगर सिंक्रोनस स्पीड 1500 हो गई तो मशीन में चार पोल है, तो आज आपको पोल पता चल गए भाई कितने, चार। जब आपको पोल पता चल जाए, अब वो बोल रहा है 30 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, तो 120 इंटू एफ। अब सिंक्रोनस स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा, अब सिंक्रोनस स्पीड हो जाएगी 120 इंटू 30, नई सिंक्रोनस स्पीड नई फ्रीक्वेंसी पे, 4 1 4 4 2 8 4 3 12, दैट इज दिस। तो कितना हो जाएगा 4 3 12 एंड 30, 3 3 कितना होता है 9, तो अब सिंक्रोनस स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा आपकी 900 आरपीएम हो जाएगी। जब आपकी सिंक्रोनस स्पीड 900 आरपीएम हो जाएगी और मोटर 850 में घूम रहा है, तो आप आराम से स्लिप निकाल सकते हो। स्लिप का फॉर्मूला होता है एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस। तो एनएस कितना है 900 माइनस 850 मतलब 50 डिवाइडेड बाय 900, तो ये 5/90 कितना होता है, 5/90 0.0056 होता है क्या, है ना, होता है। चल गुड। अल्टरनेटर्स आर जनरली डिजाइन टू जनरेट, अल्टरनेटर्स किसको क्या डिजाइन करने के लिए जनरेट किए जाते हैं, आप अल्टरनेटर्स क्या जनरेट करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, फिक्स्ड करंट, फिक्स्ड पावर फैक्टर। भाई साहब एक बात बताओ, सरकार ने पावर प्लांट बनाया। अब ये मान लो शशि है, तो शशि के घर में, शशि के पेरेंट्स ने या अपने गार्जियंस ने ये बोला कि अपन अपने घर में दो टीवी लगाएंगे। सागर भाई है, सागर भाई के घर में बोला कोई भी टीवी नहीं रहेगी घर में। इसी तरीके से है ना, इसी तरीके से सोनाली के घर में ये बोला गया कि हम अपने घर में दो फ्रिज रखेंगे। तो बेटा इन तीनों के घर का लोड अलग अलग हुआ या नहीं हुआ, एक के घर में टीवी है, एक के घर में फ्रिज है, तो सबका पावर फैक्टर अलग अलग है। तो सरकार ये बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके घर में एक जैसा लोड होना चाहिए, ऐसा होता है क्या, नहीं। तो पावर फैक्टर कभी भी फिक्स्ड नहीं हो सकता। इसी तरीके से मान लो अनामिका है, तो अनामिका घर में मान लो चार एसी लगे हुए हैं, हिमालय के घर में मान लो तीन एसी लगे हुए हैं, ठीक है, अपना रोहित भाई हो गया, अपने इनके घर में एक एसी लगा हुआ है, या मान लो मेरा घर है, तो मेरे घर में पंखा चल रहा है केवल और कुछ भी नहीं जीवन में, है ना। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि सबके घर में लोड भी अलग अलग है, किसी के घर में लोड ज्यादा है, किसी के घर में लोड कम है, तो इसलिए कभी भी करंट भी फिक्स नहीं हो सकता, लेकिन फ्रीक्वेंसी को फिक्स करना पड़ेगा तभी काम हो पाएगा, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है, चल नेक्स्ट। सर मेरा नाम लो, ओके निकुल भाई आपका नाम ले लेते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत थोड़ी ना है, आप बोलो तो एक बार। चलो ये क्वेश्चन करो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आज आप लोग के लिए। ट्रांजिएंट, जिन बच्चों का वीक है उनका थोड़ा ट्रांजिएंट स्ट्रांग होगा। फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द स्विच एस इज ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इट इज क्लोज एट टी इक्वल्स टू जीरो, द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ द सर्किट एट टी इज लेस देन इक्वल्स टू इनफाइनाइट। इधर देखो आपको क्या बोला जा रहा है, ये आपका स्विच है बेटा, ये आपका स्विच है। अब आपको बोला जा रहा है कि इस स्विच को हम लोगों ने, क्लियर है ना, इस स्विच को हम लोगों ने, हाँ रागिनी अभी ट्रांजिट के क्वेश्चन बनने लगे। क्या बोला जा रहा है, आराम से पढ़ना ट्रांजिट के क्वेश्चन को, ज्यादा लोड नहीं ले, दिमाग में नहीं ऐसा सोचना है कि अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, पढ़ो उसको। फॉर अ सर्किट शोन इन द फिगर द स्विच एस इज ओपन, अच्छा भैया ओपन था, बहुत समय से ओपन था, कब से ओपन था, हमारे पापा के टाइम से ओपन था, हम और उसके पहले चले जाओ, हमारे दादाजी के टाइम से ओपन था और उसके पहले चले जाओ, है ना, हमारे परदादा के टाइम से ओपन था, क्लियर है। अरे ओपन था वे, पता नहीं कब से ओपन था, जब से दुनिया चालू हुई है तब से ओपन था, समझ में आ रहा है, दुनिया जब से चालू हुई तब से ओपन था। अब दुनिया कब चालू हुई थी, टाइम मालूम है क्या, नहीं, एक घंटे पहले, दो घंटे पहले, अरे बहुत लंबा टाइम है सर। तो मान लो इनफाइनाइट टाइम से आपका स्विच ओपन ही है, अगर आपका स्विच इनफाइनाइट टाइम से ओपन है, मतलब बेटा स्विच आपका देखो यहां पे इनफाइनाइट टाइम से ये ओपन है, ओपन ओपन है मतलब ये क्या है, ओपन सर्किट, ये स्विच क्या है आपका, ओपन सर्किट। अगर ये ओपन सर्किट है तो ये ब्रांच को गायब कर देते हैं अपन लोग थोड़ी देर के लिए, ठीक है, अच्छी बात। तो अगर ये ब्रांच को अपन लोग गायब कर देते हैं, अब आपसे बोला जा रहा है टाइम कॉन्स्टेंट आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको, टाइम कॉन्स्टेंट निकालना है, ठीक। सर टाइम कॉन्स्टेंट कैसे निकालेंगे, टाइम कॉन्स्टेंट होता क्या है, पहली बात तो होता है टाइम कॉन्स्टेंट कितना, एल बाय आर की आर बाय एल, जल्दी बोलो कितना होता है टाइम कॉन्स्टेंट, सिंगल लाइन अल्टरनेटर कैसे डिफाइन करेंगे, भैरव भाई कैसी बात करता है, हाँ, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्लियर है, दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज अल्टरनेटर, L by R होता है, गुड। तो टाइम कॉन्स्टेंट होता है L by R। अब वो अपने टाइम कॉन्स्टेंट कब का पूछ रहा है, क्या बहुत समय से लगा हुआ स्विच था तब का पूछ रहा है या नहीं, उसने बोला है कि स्विच को हमने क्या करा, क्लोज कर दिया। अब स्विच को बेटा क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, तो ये स्विच को अब क्या कर दिया, क्लोज। जब स्विच को क्लोज कर देंगे
अब जब स्विच को क्लोज कर देंगे इस तरीके से, तो जरा देखो ये स्विच हमारा हो चुका है क्लोज। अब जब ये हमारा बेटा स्विच क्लोज हो गया, अब टाइम कांस्टेंट पूछ रहा है, तो बेटा जब भी स्विच क्लोज हो जाए और टाइम कांस्टेंट पूछ रहा है तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा, एक सेकंड रुकना, आपको करना कुछ भी नहीं है सिंपल सा, आपको क्या करना है इस इंडक्टर की तरफ से, ये इंडक्टर है ना, एल बाय आर होता है, तो इंडक्टर की वैल्यू तो पता है कितनी है, 2 हेनरी, आर निकालना है, तो आप क्या करो इंडक्टर के टर्मिनल पे, इन दोनों टर्मिनल पे, क्लियर, इन दोनों टर्मिनल पे आपको क्या करना है, यहां से है ना देखना चालू करना है किसको, यहां पे आप चिंटू को खड़ा कर दो, बढ़िया एकदम, ठीक है, चिंटू को बोलो चिंटू आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल दे, क्या निकाल दे, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। अब आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालने का मतलब क्या होता है, थेवेनिन रेजिस्टेंस, वो तो हम निकाल सकते हैं, कैसे सर, वोल्टेज सोर्स को क्या करना पड़ेगा, आपको शॉर्ट करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया, तो वोल्टेज सोर्स हो गया शॉर्ट। अब क्या है, ये 10 ओम है, ये 20 ओम है, ये 10 ओम है, क्लियर है, तो अब जरा देखो यहां से जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने जाओगे तो बेटा ये टर्मिनल और ये टर्मिनल क्या हो जाएंगे, ओपन, जब ये दोनों ओपन हो जाएंगे आपके, ये दोनों जब आपके ओपन हो जाएंगे तब निकालने की कोशिश करो, जरा कैसे निकालोगे जरा बताओ फटाफट मुझे, कैसे निकालोगे, तो बेटा जरा गौर से देखो, इस रेजिस्टेंस का ये वाला टर्मिनल और है ना इस रेजिस्टेंस के ये वाले टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, इस रेजिस्टेंस का ये वाला टर्मिनल इस रेजिस्टेंस के ये वाले टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो बेटा ये दोनों काय में आ गए आपके, पैरेलल में आ गए नहीं आ गए, हाँ सर बिल्कुल आ गए पैरेलल में, तो ये 10 और 10 मिलके कितने हो जाएंगे है ना 5 ओम हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, हाँ सर, तो सर्किट बना लेता हूं 5 ओम की, देखो जरा, अरे मैं तुमको हाथ पकड़ के सिखा दूंगा, अरे तुम रुको तो बस, है ना 5 ओम हो गया, अब देखो और देखो ये 5 ओम हो गया, उसके बाद बेटा इधर देखो ये कितना लगा हुआ है, मैं तो तुम्हारा हाथ पकड़ के तुमको सिखा दूंगा, हाथ पकड़ के पेन चला चला के, ट्वेंटी ओम, और देखो जरा, अब ये दोनों का ये हो गया, ये बंद कर लिया, क्लियर, अच्छा अब इधर देखो ये टर्मिनल से ये 10 ओम डायरेक्टली यहां पे कनेक्टेड है, ओके सर, तो 10 ओम डायरेक्टली यहां पे कनेक्टेड है, तो अपन एक काम करते हैं 10 ओम डायरेक्टली कनेक्टेड है, यहां से 10 ओम कनेक्ट कर देते हैं, और यहां से आर इक्विवेलेंट आपको निकालना है तो ये निकल जाएगा, यहां से आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो बेटा कैसे निकालोगे, ये 10 है तुम्हारा, तो अब 10 और 20 काय में आ गए बेटा, पैरेलल में आ गए, 10 और 20 जब पैरेलल में आ जाएंगे तो 10 इंटू 20 अपॉन 10 प्लस 20 होता है, ये कितना हो जाता है बेटा 200 अपॉन 30 हो जाता है, ये निकल के आ गया 20 बाय 30 प्लस 5 कर देंगे इसके अंदर, ये निकल के आ जाएगा 20 बाय 3, 35 होता है 15, 15 और 20 होता है कितना 35 डिवाइडेड बाय 3 ओम्स आ गया, ये आ गया आपका आर इक्विवेलेंट, जब आपका आर इक्विवेलेंट ये निकल के आ गया, क्लियर है, रॉन्ग करा है, जब आपका आर इक्विवेलेंट ये निकल के आ गया, क्लियर, जब आपका आर इक्विवेलेंट निकल के आ गया, क्या गलती करी इसमें मैंने, जल्दी बोलो क्या गलती करी मैंने इसमें, जल्दी बोलो जल्दी, अगर किसी को लगता है कुछ गलती करी है तो जल्दी बोलो क्या गलती करी है, सर गलत कर दिए, क्या गलत किया भाई जल्दी बोलो, क्या गलत किया है, 25 पैरेलल 10 होगा, ओके कैसे कैसे कह सकते हो 25 पैरेलल 10 होगा, आप ये बोलना चाह रहे हो पहले ये दोनों सीरीज में होंगे फिर ये पैरेलल में होगा, ऐसा बोलो 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 बेटा बोलो मुन्ना, तो एक्चुअली मैं इस सर्किट को मैं थोड़ा सा रीडिफाइन करता हूं, है ना, इस सर्किट को बेटा मैं थोड़ा सा रीडिफाइन करता हूं तो आपको अभी क्लैरिटी आएगी, एक्चुअली मैं अभी आधे बच्चे नहीं समझ पाएंगे वरना, ठीक है, मैं आपको रीडिफाइन करता हूं सर्किट को, हाँ भाई बता रहा हूं, रुको बे रुको ना बता रहा हूं, ये देखो आप एक काम करो 20 ओम को एज इट इज बना रहना, तो रीडिफाइन करता हूं तो आपको क्लैरिटी आएगी, ठीक है 20 ओम को एज इट इज बना रहने दो, और ये आपका एक नीचे से एक लाइन ऐसी भेजा दो, इसके बाद आप क्या करो अभी आपको क्लैरिटी आएगी, देखो कैसे ये 10 और 10 पैरेलल में हो गए ना, ये बात तो सही है, हाँ सर, अब इधर देखो 20 ओम का ये वाला पार्ट जो है वो एक्चुअली में इस पॉइंट से कनेक्टेड है और 10 ओम का भी वाला पार्ट इस पॉइंट से कनेक्टेड है, तो क्यों ना एक काम करते हैं इन दोनों पॉइंट को अलग अलग मान लेते हैं, इन दोनों पॉइंट को क्या मान लेते हैं, अलग अलग मान लेते हैं, तो इन दोनों पॉइंट को जब अलग अलग मानोगे तो कैसे मानोगे, देखो जरा अभी क्लियर है तुमको, अभी देखो अभी क्लियर है, अब बोलो मेरे को
अभी क्लियर है? ये देखो ये दो जो पैरेलल रजिस्टर थे ना बेटा, ये जो दो पैरेलल रजिस्टर थे ना, ये दोनों, इन दोनों का एक पॉइंट इससे कनेक्टेड है और एक पॉइंट ऊपर वाले 10 ओम से कनेक्टेड है। तो देखो जरा, ऊपर वाला 10 ओम मतलब ये वाला, ठीक है? तो अब देखो जरा, ये दोनों किसमें? सर पैरेलल में। ये दोनों पैरेलल में आके कितने हो गए? सर ये दोनों पैरेलल में आके कितने हो गए? 5 हो गए। और 5 ओम जब ये हो गए तो 20 और 10 कितने हो गए? 25। और 25 के साथ ये 10 भी कायम आ जाएगा पैरेलल में, तो 25 पैरेलल 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 इंटू 10 अपॉन 35, क्लियर है? अपॉन 35। अब ये हो गया, अब एल बाय आर करना है, क्लियर है? सर आपका पढ़ाए हुए क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी में आए, क्या बात है सुमित भाई, लव यू। अब आप कर लो यहाँ पे एल बाय आर कितना हो जाएगा, तो एल बाय आर कर लोगे तो 0.21-0.27 सेकंड्स के आसपास आ जाएगा। कितना जाएगा? 0.27 सेकंड्स के आसपास। कहाँ गया पे क्वेश्चन? 0.28 सेकंड्स के आसपास। ऐसे ही बोल रहे थे, आप सुन नहीं रहे थे। सॉरी मोनिका चटक गई, अब मोनिका चटक गई, अब गुस्सा हो गई आज वो। ऐसे ही बोल रहे थे, आप सुन नहीं रहे थे हमारी बात को। न्यू स्टाइल रिसर्च, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्या बात है न्यू स्टाइल रिसर्च भाई, लव यू। क्लियर है सभी बच्चों को? यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बोलेंगे फास्ट यार, सेशन को लाइक कर दो यार फटाफट जल्दी सभी लोग। अरे इतने सारे बच्चे, मोनिका अलग है, मोहिनी अलग है, क्या करूं है, क्या करूं मैं बोलूं। चलो तो आज मैंने आपको काफी अच्छे क्वेश्चंस करवाए गाइस, तो द थिंग इज कि अब आपको मैं कुछ चीजें और बताना चाहता हूं, और जब तक आप लोग सेशन को लाइक कर दें एटलीस्ट, इतना तो मेरे लिए कर सकते हो यार, वरना भागने की कोशिश ना करें, क्योंकि भागने की कोशिश करोगे इसका मतलब आपके अंदर पेशेंस नहीं है, और भाग के जाओगे भी कहां बेटा, घर के बाहर निकलो अभी तो, घर के बाहर जो कुत्ता बैठा होगा ना वो भी नहीं पूछेगा और भाई कैसे हो, ऐसा पूछता क्या कुत्ता, और क्या हाल चाल है जीवन में, सब कुछ अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा। यहां कम से कम हम लोग एक दूसरे को पूछ लेते हैं, है ना, बाहर तो उनको कुत्ता भी नहीं पूछता। सही बात है कि गलत बात है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी चीज है, एक लॉन्च होने वाली है कल, तो उसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं, तो जरा आप लोग देख सकते हैं। चल तो गाइस आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा बैच लॉन्च होने वाला है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल जेई लाइफ कोचिंग बैच 5। तो गाइज ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल, सर आपके लिए तो जान हाजिर है, क्या बात है, क्या बात है बनी भाई, गुड, क्लियर है? तो गाइज आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा बैच लॉन्च हुआ है, जिसका नाम इलेक्ट्रिकल जेई लाइफ कोचिंग बैच 5। दिमाग में रखना है बैच 5। 11 अप्रैल से ये बैच की क्लासेस स्टार्ट हुई है, एक साल इसकी वैलिडिटी रहेगी, 799 रुपीज का प्राइस है, और 180+ गाइज बैच के अंदर लाइव क्लासेस है, एक एक क्लास दो दो घंटे की होती है, हजारों बच्चे डेली पढ़ रहे हैं इस बैच के अंदर अभी, क्लियर है? तो जो अभी 6-7 दिन की क्लास छुट्टी, उनको आप रिकॉर्डेड में देख सकते हो, बाकी आपको आना चाहिए, जो भी बच्चे चाहते हैं आने वाले 4-5 महीने में बहुत ही प्रॉपर तरीके से वो अपने आप को इस काबिल बना ले, ताकि वो किसी भी जेई एग्जाम को क्रैक करने के लिए बने हो, क्लियर गाइज? बैच के अंदर 360+ लाइव क्लासेस हैं, 4,500+ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, एक डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म भी मिलता है कि जब भी आप लोग अपना डाउट पुटअप करेंगे, क्लियर है ना, जब भी आप लोग डाउट पुटअप करेंगे तो विद इन 1 आवर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, और काफी बच्चे मुझसे ऑलरेडी बेटा बैच 3, बैच 2 या पहले पढ़ चुके हैं, वो भी यहाँ पे अवेलेबल होंगे, तो आप ये उनसे पूछ सकते हैं कि यार जिस तरीके से मैं कंटेंट डिलीवर करता हूँ, उस कंटेंट की जो लेवल है, उस कंटेंट का जो डिलीवर का लेवल है वो किस लेवल पे, ठीक है? तो बाकी बच्चे एक बार बता सकते हो, बाकी स्टूडेंट्स को आप लोग गाइड कर सकते हो, हम तो कंटिन्यूअसली गाइड करते हैं, आपका गाइडेंस भी स्टूडेंट्स को आपके दोस्त जैसा लगता है, इसलिए बस बोल रहा हूँ, क्लियर, ताकि बच्चा भटके ना और अपना समय ना खराब करे। बच्चा कुछ भी करे, कैसे भी पढ़े, द थिंग इज कि वो अपना समय ना खराब करे। पीडीएफ कहां मिलेगा गुरविंदर, वो भी मैं आपको बताता हूं। गाइस बैच को आपको इसको एनरोल करने के लिए कुछ नहीं करना, टेस्टबुक के प्लेटफॉर्म पे textbook.com पे आपको जाना है, इस बैच को टाइप करना है इलेक्ट्रिकल जेई लाइफ कोचिंग बैच 5, और सीधे 20 से लेके, क्लियर है, 20 से सीधा 37% का आपको डिस्काउंट मिलता है अगर आप ये कोड यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड मोहित के। अब बात आती है सर मोहित के मतलब क्या है, बेटा ये वो कोड है जो आपको यूज करने पे सीधा 20 से 37% डिस्काउंट मिलता है, और ये वो कोड है जो टेस्टबुक पे चलने वाले किसी भी कोर्स के लिए एप्लीकेबल है, तो सीधा ये बैच आपका 799 से 3400 रुपीज के अंदर आ जाता है। अब इसके बाद आती गाइस बात, क्लियर, दो चीज याद रखनी, इलेक्ट्रिकल जेई लाइव बैच 5, और साथ ही साथ में ये याद रखना है, क्लियर है ना, साथ ही साथ में आपको याद रखना है दैट इज कॉल्ड मोहित के, ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस जो मेरी यूट्यूब की क्लास होती है वो तो आप लोग देखते ही हो, वो तो आपको देखनी ही है, क्लियर है, टेक्स्टबुक पे फ्री ऑफ कॉस्ट वाली जो क्लासेस होती है जिनको मास्टर क्लास बोलते हैं वो भी आपको देखना ही है, और साथ ही साथ में आपको बैच के अंदर भी पढ़ना है। गाइस ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है मोहित कसन ने सर टेक्स्टबुक, गाइस यहां पे आपको डेली क्लासेस की पीडीएफ मिलेंगे, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लेकर रखो, हजारों बच्चे यहां पे अवेलेबल है जो आपके साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको कुछ डाउट डिस्कस करना हो आपस में, आप लोग डाउट डिस्कस कर सकते हो, इंटरेक्शन कर सकते
सकते हो, डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो किसके साथ, मेरे साथ की। अगर आपको लगता है कि सर से ही मुझे कुछ बात करनी है तो आपके कैरियर में आने वाली कोई भी दिक्कत को मैं यहाँ पे आपका सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और डेफिनेटली करूंगा भी। तो गाइस मोहित कासन ने सर टेस्ट बुक, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लें इसका जल्दी से फास्ट, ठीक है, यहीं पर आपको पीडीएफ मिलेंगी, ठीक है। चलिए अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस आपके पास एक और चीज होनी चाहिए जिसको बोलते हैं टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज, मतलब टेस्ट बुक पास। एक्चुअली में क्या होता है गाइस, है ना, एक्चुअली में क्या होता है, जब आप कोर्स के अंदर सारी चीजें पढ़ लेते हो तब बारी आती है आपको परफॉर्म करने की। तो आप जब अपना मेन एग्जाम में परफॉर्म करने जाओगे उसके पहले आप बहुत बार परफॉर्म करके देखो और वो परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी आपकी टेस्ट में। तो टेस्ट आपकी जो एक्चुअल में गलतियां सुधारने का काम करता है, और अगर टेस्ट आपकी गलतियां सुधारने का काम करता है तो मेन एग्जाम के पहले आपकी सारी गलतियां सुधर जाएंगी, चाहे वो एप्टीट्यूड की हो, रीजनिंग की हो, इंग्लिश की हो, हिंदी की हो, कंप्यूटर की, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स की, कोई भी टॉपिक्स हो, या फिर आपके पर्टिकुलर टेक्निकल के, इलेक्ट्रिकल के टॉपिक हो, तो गाइस टेस्ट बुक पास जो टेस्ट सीरीज है वो ऑफर करता है आपको इंडिया के अंदर 40,000 मॉक टेस्ट इन अ सिंगल पास, जो कि कवर करते हैं मोर देन 400 एग्जाम्स ऑफ दिस कंट्री। तो गाइस ये तो आपके पास होना ही चाहिए, और आपके पास आसपास आपके कोई रिलेटिव्स हो, वो भले एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, इंश्योरेंस, डिफेंस, पुलिस, टीचिंग जैसे एग्जाम्स की भी अगर वो प्रिपरेशन करते तो उनको भी ये बोलो कि यार एटलीस्ट टेस्ट देते रहो ताकि आप अपनी गलतियों को सुधार पाओ। इसके लिए करना क्या है, उसको कैसे एनरोल किया जाता है वो भी मैं जरा शो कर देता हूं, क्लियर है, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी रहेगी कि टेस्ट बुक पास को कैसे इनरोल किया जाता है, ठीक है, कैसे इनरोल करते हैं टेस्ट बुक पास को, तो जरा वो भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो करना कुछ नहीं होता, सिंपल सा आपको, है ना, करना कुछ भी नहीं होता, जस्ट अ मिनट आई विल शो यू। तो गाइस मैं छुप जाता हूं ताकि आप लोगों को दिख जाए, ठीक है, और फिर टेलीग्राम चैनल एक बार और मैं बता दूंगा आप लोगों को। गाइस जैसे ही आप लोग यहां पे पुट अप करोगे testbook.com, उसके बाद देखो लिखा आएगा सिलेक्ट लाइव कोचिंग, तो आपको जब बैच लेना है तो सिलेक्ट लाइव कोचिंग पे जाना है, मतलब मोहित के कोड यूज करना है, ठीक है। इसके बाद आएगा टेस्ट सीरीज पे नहीं जाना है, आपको जाना है सीधे पास के ऊपर, कहां जाना है, टेस्ट बुक पास के ऊपर। तो जब आप पास के ऊपर जाओगे तो आपसे वो पूछेगा आपको कितने दिन का लेना है, तो देखो आप यहां पे देख सकते हो टोटल अभी कितने पास, कितने टेस्ट अवेलेबल है, 37,000 प्लस मॉक टेस्ट अवेलेबल है, 10,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल, प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल है, और इंडिया के 520 एग्जाम्स को ये कवर करता है। गाइस यहां पे लिखा है 7 डेज टेस्ट बुक पास, मंथली टेस्ट बुक पास, ईयरली और लाइफ टाइम। तो आप लाइफ टाइम पास पे क्लिक करेंगे, जैसे ही अप्लाई कूपन करेंगे, अप्लाई कूपन आपको याद रखना है जिसका नाम है मॉक पास, MOKPASS। तो जब आप मॉक पास अप्लाई कर देंगे तो ये देखो इसका प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और यही आपको सिर्फ कितने का मिल जाएगा, 540 रुपीस का मिल जाएगा, जो कि अपने आप में काफी कम अमाउंट होता है। इतना तो आप अपने लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, क्लियर है, इतना तो आप अपने लिए इन्वेस्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। चलो तो वापस बैक टू द पिच, मैं वापस आता हूं अपनी चीजों पे। चलिए तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया टेस्ट बुक पास के बारे में, बहुत बढ़िया सर हमको समझ में आ गया सर पूरा का पूरा। अब इसके बाद की बात मैं बता देता हूं आप लोगों को, ये मेरा वापस से टेलीग्राम चैनल आप लोगों को दे देता हूं गाइस, ताकि आप लोग सभी लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, और इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोगों के लिए नया इनिशिएटिव है कि कल से आप लोगों की डेली यूट्यूब पर 3 क्लासेस जाएंगी, 1 3 बजे से 4 बजे तक, 1 5 बजे से 6 बजे तक जिसमें आप अभी हैं, और 1 बजे से 1:30 बजे तक हमारी जो चलती हो तो चलेगी। सो थैंक यू वेरी मच अगेन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू वेरी मच।